नमस्कार, स्वागत आप सभी का मंडियों का हाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और मंडियों का हाल में चर्चा करेंगे लहसुन के ऊपर। इस बार लहसुन देख रहे हैं किसानों को काफी ज्यादा परेशान करता हुआ, काफी ज्यादा रुलाता हुआ नजर आ रहा है। पहले किसान लॉकडाउन से परेशान थे, फिर लहसुन ना बिकने से परेशान थे, उसके बाद देख रहे हैं कि अब किसान इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि लहसुन का एक तो उत्पादन ज्यादा है और फिर दूसरा दामों ने किसानों को काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। खबरें ऐसी भी निकल के सामने आ रही हैं कि किसी किसी किसान का तो लहसुन भी नहीं बिक पा रहा है। किसान मंडी में लहसुन तो बेचने के लिए ले जा रहे हैं लेकिन उनके लहसुन की खरीदी नहीं हो पा रही है। आवकें इतनी बंपर देखने को मिल रही है और दाम का तो आप रहने दीजिए, दाम बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। किसानों ने महंगा बीज खरीद कर, महंगी दवाई खरीद कर, महंगी खाद खरीद कर लहसुन की बुआई की थी लेकिन जब मंडी में बेचने जाते हैं तब उनको उनकी फसल के वाजिब दाम नहीं मिलते। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें किसान अपनी लहसुन की उपज मंडी में बेचने के लिए गया लेकिन उसकी उपज वहाँ पर नहीं खरीदी गई। किसान की उपज यह कहकर टाल दी गई खरीदी करने के लिए कि उसकी लहसुन की फसल में बीमारी है। अब किसान का यह कहना था कि उसने महंगी खाद, महंगी दवाई, महंगा बीज खरीद कर लहसुन की बुआई की थी, अब वो भला इस माल का क्या करेगा। और किसान जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि अपना माल खुले में रख के दिखा भी रहा है कि कोई भी इस माल के अंदर, इस लहसुन की उपज के अंदर बीमारी देख के बताए कि क्या बीमारी है जो इसका माल नहीं खरीदा जा रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि किसान का किस तरह से दर्द छलक रहा है। इस किसान ने यह तक कह दिया कि मैं अब इस माल का क्या करूं, कहां जाके मरूं, क्या आत्महत्या कर लूं। एक तरफ तो किस सरकार कहती है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करेंगे और दूसरी तरफ ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर किसानों का साफ साफ दर्द छलक रहा होता है। देखिए आप इस वीडियो को। वीडियो में किसान साफ साफ अपना माल हाथ में उठाकर दिखा रहा है कि उसके माल में किसी तरह का कोई भी रोग, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी उसका माल नहीं खरीदा गया है जबकि उसने महंगे खाद, दवाई और महंगा बीज खरीदकर इसकी बुवाई करी थी। तो वीडियो तो आपने देख ही ली है लेकिन ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए और इस पर और गहराई से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गार्लिक मंडी, आज़ादपुर गार्लिक मंडी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जितेंद्र खुराना जी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। नमस्कार जी। नमस्कार जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, लहसुन किसान की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और आपने भी ये वीडियो देखी ही होगी जिसमें लहसुन किसान जो अपनी उपज मंडी में बेचने जा रहा है उसकी उपज यह कहकर टाल दी जा रही है कि उसकी मंडी में रोग है, बीमारी है। ऐसे में आपका वो क्या लगता है, एक तरफ तो किसान महंगा बीज खरीदता है, महंगी खाद खरीदता है, दवाइयों पर पैसा खर्च करता है और ऐसे समय में जब ईंधन के जो दाम है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, मैंने देखी थी अखिलेश भाई, और बहुत दुख हुआ मेरे को। 3 दिन पहले मेरे एक मित्र है हमारे MP के ही, बहुत पुराना व्यापार कहने वाले जी, उन्होंने कहा कि राजू भाई आप इंटरव्यू देते ही क्यों, कि जब लोग इतना उल्टा बोलते हैं आपके लिए नेगेटिव इंटरव्यू देना बंद कर दो। मैंने भी मन में अखिलेश भाई ये सोचा था अब आगे से इंटरव्यू नहीं दूंगा, लेकिन ये जब वीडियो देखी और आपसे बात करी कि भाई साहब इतना परेशानी है, और ये चीज मैंने देखो आपको याद होगा पिछले इंटरव्यू में 2-4 में इसी महीने में मैंने बोला था फसल ज्यादा है, फसल डैमेज होगी, हम अगर सरकार तक बात पहुंचा सके अपनी कि सरकार इसमें थोड़ा ध्यान दे, किसानों की मदद करे किसी भी फॉर्म में, भले माल खरीदे, लहसुन के तेल निकालने वाली मशीनें लगाए या किसी भी तरीके से किसान जाए तो जाए कहाँ। आप ये वीडियो मैं हर आदमी को कहता हूँ जरूर देखें, YouTube पे जाके किसी अच्छे आदमी ने पोस्ट की है, MP का ही है वो बंदा, उसने पोस्ट किया, आप देखिए कि किसान कितना परेशान है। और ये कुछ, ये मेरे कुछ कहते हैं एक मित्र होते हैं, एक अच्छे मित्र एक बुरे मित्र, तो ये मेरे अच्छे मित्र है जिन्होंने मेरे पे नेगेटिव कमेंट कहते रहते हैं, करण प्रजापति, अनिल पाटीदार, अवधेश पाटीदार, बद्रीलाल, अर्जुन डांगी, प्रेम नारायण परमार, राधेश्याम, विष्णु परमार,
ये नाम मेरे को मजबूरी में इसलिए लेने पड़े कि 80,000 व्यूज में ये कुछ 10-12 नाम जो सिर्फ नेगेटिव लिखने की कोशिश करते हैं, कहते आ रहे हैं जी। मैं इन भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब आप पढ़े लिखे नेगेटिव कमेंट ना करेंगे ना, हमारे साथ कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़े होइए, किसानों की मदद करिए। आपके थ्रू मेरे को पता है आपने भी आगे कहीं ना कहीं सरकार में अपने माध्यम से ये वाली वीडियो भेजने की कोशिश की होगी कि उन तक बात पहुंचे कि किसान आज किस दुख में जी रहा है। मैंने भी अपनी तरफ से मेल्स ठोकी है जी। मैं इनको भी सलाह देता हूँ कि भाई साहब मेरे पे नेगेटिव कमेंट ना करके आप हमारे साथ खड़े हुए, आप मेल्स करें, आप पीएमओ पे ट्वीट करें कि भाई साहब इससे पोजीशन बहुत ज्यादा खराब होती है किसानों की। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी आप देखिए कि कितना किसान को दिक्कत आने वाली है, क्यों फसल ज्यादा है, बीमारी हो रही है। आप समझे अगर माल कुछ बेचते हैं तो उस बेचारे की लागत नहीं निकल रही भाई साहब जी। तो जितना हो सके सबके सब पीएमओ को ट्वीट करें, सरकार तक बात पहुंचाएं। मैं बार बार कहता हूं सरकार सुनती है, हम सुना नहीं पाते। आप से ही चालू हो जाए, अभी से चालू हो जाए, ट्वीट करें पीएमओ को कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और जैसे सरकार ने ध्यान दिया तो कम से कम कुछ नहीं कुछ तो सोल्यूशन होगा, कुछ तो मदद मिलेगी, कुछ तो ऑक्सीजन आएगी आदमी में जी। जितेंद्र जी, जैसे आपने अपने पिछले इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हर राज्य सरकार को गार्लिक ऑयल निकालने वाली मशीनें रखनी चाहिए और ऐसी यूनिटें लगानी चाहिए जिससे कि गार्लिक को एको डाइवर्जन दिया जा सके, जितेंद्र जी जहां पर ये वाक्य देखने को मिला है इस लहसुन के किसान का, अगर इनके राज्य में गार्लिक निकालने वाली ऑयल मशीन रहती तो क्या सिचुएशन दूसरी ही होती कि चलो अगर मंडी में माल ना बिका ना सही, कम से कम गार्लिक ऑयल यूनिट्स को मशीनरीज को माल बेच देते हैं सप्लाई करते थे जिससे कि कुछ पैसे आ जाएं। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उसमें हमने उनको माल बेचना नहीं है। जैसे मेंथॉल में देखे, मेंथॉल में किसान मेंथॉल जो तेल निकालने वाली मशीन है जिनके पास भी होती है वो उनको माल बेचते नहीं, वो उनको उसका मेहनताना देके वो तेल निकाल के अपने पास रख लेते हैं। जब हमारा मन करे हम तब बेचेंगे, वो खराब नहीं होगा, साल दो साल तीन साल पांच साल खराब नहीं होगा। तो अपने को तो और ये ऐसी चीज है जो हाथ के हाथ बिकेगी। कम से कम रोड पे अपना फसल फेंकने से अच्छा आप उसका तेल निकाल के अपने पास रख लें, आपके घर बैठे दाम मिलेंगे। तो कोई ना कोई तो मदद अगर हम सब मिलके देखिए, आज क्या है, आज हमारे साथ दुख की बात क्या होती है कि हम लोग जो भी ये जितने भी कमेंटर वालों के नाम बताए हैं, हम लोग ना एसी ऑफिस में बैठते हैं और हल्का सा कोई दिक्कत होती है, हाँ यार ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम उनके साथ खड़े नहीं होते कि भाई बुरा हुआ, चल हम अपनी तरफ से जो मदद होगी करेंगे जी। मैं कोई ये नहीं कह रहा आप पैसे दो उसको, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इतनी मदद तो कर सकते हैं कि उस वीडियो को शेयर कर दें पीएमओ तक, कोई मेल डाल दें कि भाई सर दिक्कत आ रही है आप थोड़ा इससे ध्यान दें, कितना तो हम कर सकते हैं। ये हमारा फ्री का सिर्फ समय लग रहा है, जितना समय हम नेगेटिव बातें लिखने में लगा रहे हैं उतना समय भी, उससे भी आधा समय हम अगर उधर दे दें तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। आज आप समझे प्रोडक्शन मंडियों में अगर कुछ नहीं 10 मशीनें भी लग जाए हर मंडी में, मंडियों में लगा दो आप मशीन, किसान का मन है मंडी में माल बेचे, उसको लगता है भाव नहीं लग रहा, सरकार के अंदर में मशीनें लगवा दो जी। मैं कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं दो, आप मंडियों में मशीनें लगवा दो, किसान का समझ है माल बेचो नहीं तो मशीन में जाओ, वहां पे तेल निकलवाओ अपना ले जाओ घर से जी। तो भाई साहब उसका इतना बड़ा इफेक्ट आएगा, कम से कम वो नौबत नहीं आएगी जो ये किसान के मुंह से निकला कि मैं कहां जाके मरूं। और ये हकीकत में है कि जो आदमी 6 महीने मेहनत करता है और वो उसकी लागत तो छोड़ दो, उस बेचारे को उससे भी कम मिलता है, कमाई छोड़ दो लागत से भी कम मिले, तो बेचारे के मुंह से ये शब्द निकलेंगे ना कि मैं कहां जाके मरूं। भाई आपको आप नौकरी पेशा है, मैं बिजनेसमैन हूं, हम कहीं ना कहीं अपना सर्कल घुमा लेते हैं, आपको पता है आपको सैलरी मिलनी मिलनी है भले कुछ हो, लेकिन वो उस बेचारे को उसकी फसल से ही उसने अपनी दाल रोटी कमानी है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अपने बच्चों की शादी करनी है जी। उसको तो उसी पे आसर है, और वही अगर लागत ना मिले तो उसके मुंह से यही निकलेगा भाई साहब मैं कहां जाके मरूं जी। जी जितेंद्र जी, आपने एक और
पॉइंट पे हमेशा आप ज्यादा फोकस रहते हैं, वो है एक मसौदा तैयार होना, एक सिस्टम तैयार होना। अगर एक सिस्टम तैयार हो जाए जिसमें पहले ही पता लग जाए कि अपने पास पिछले साल का बचा हुआ माल कितना है और इस बार कितना माल तैयार करने की ज़रूरत है, इसी के हिसाब से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स भी पता लग जाएं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा होने से ऐसी सिचुएशंस काफ़ी कम हो जाएंगी या फिर घटती घटती एक दिन खत्म ही हो जाएंगी? बिल्कुल भाई साहब, ये चीजें देखो, जैसे सरकार ने दालों को अपने अंडर में लिया, ऑब्जर्वेशन में लिया, जो दालों की सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई थी, जैसे ही इन्होंने ऑब्जर्वेशन में लिया तो जो दालें इंपोर्ट होती थी वो दालें यहाँ पैदा होके जो पैसा हमारा हिंदुस्तान का बाहर जाता था वो हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में रहा, किसानों को फायदा होना चालू हो गया। अब सरकार अपने आप ही गाइडलाइन जारी कर देती है कि इस साल मूंग की दाल ज्यादा है, आप इस साल इस मूंग की दाल ना ये वाली दाल लगाओ। तो ऐसे ही अगर सब्जियों में भी फलों में भी सरकार एक मजबूत तैयार कर दे टीम जिसमें हर वर्ग का आदमी जुड़ा हो, कहीं किसान भी जुड़ा हो, व्यापारी भी जुड़ा हो, हर वर्ग का आदमी जुड़ा हो, तो मैं चैलेंज देता हूँ ये वाली नौबत नहीं आएंगी जो आज आई गई है। जी जी जितेंद्र जी, आप हमेशा से ही लहसुन किसानों के मार्गदर्शक रहे हैं, उनके बारे में हमेशा ही आपने अच्छे डिसीजंस, उनको काफी अच्छी एडवाइस दी है ऐसी सिचुएशन में, और आज आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिसको सिर्फ किसान ही नहीं, हम भी, आप भी और बाकी आप आम जन भी फॉलो करें जिससे कि किसानों को फायदा होए और ऐसी सिचुएशन सरकार के सामने आ पाए जिससे सरकार कुछ एक्शन ले पाए? सर, इसमें तीन चीजें, आप और हम क्या कर सकते हैं, एक पहला पॉइंट, आप और हम जितना हम ये बातें सरकार तक, मेल, ट्विटर, कोई भी जो हमारे माध्यम है, इंस्टाग्राम, पीएमओ को मेल करें, ये हम कह सकते हैं, इससे हम डायरेक्ट किसान को फायदा पहुंचा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो किसान वहां पे इस टाइम दुखी हो रहा है, घबरा रहा है फसल को देख के, माल डैमेज हो गया उसको देख के, तो साफ मैं आपको ये देखिए, पहली चीज इसमें मैं बता दूं कि मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, मैं आगे कहता हूं कि तेजी आएगी, दुखी है तो आपके भले के लिए बोल रहा हूं जी, ठीक है। इसमें कुछ व्यापारियों को दिक्कत होती है क्योंकि वो इस समय का फायदा उठा के मद्दे में उनसे खरीदते हैं और तेजी में बेचते हैं जी। अब अगर वो तेजी नहीं आई किसी भी कारणवश, भले इंपोर्ट हो गया या कुछ, मैं तो अपने 35 साल के एक्सपीरियंस से एक बात बोली, 10 में से भाई साहब 7 बात सही निकली है, एक दो बात गलत निकलेंगी, मैं कोई भगवान नहीं जी, ठीक है। तो आज मैं बिल्कुल सलाह नहीं देता इस मामले में, लेकिन मजबूर होके उस किसान की दुर्दशा देख के फिर एक सलाह दे रहा हूं कि अभी आप घबराए नहीं, डैमेज माल बहुत निकल रहा है और जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है माल और डैमेज हो रहे हैं और आगे होंगे, जैसे ही बारिश पड़ेगी भपका निकलेगा जमीन का, उससे मालों की हालात और खराब होगी जी। तो अभी आप जितना माल डैमेज है सिर्फ वो निकालें, थोड़ा बहुत माल आधा आप तेजी मद्दी के हिसाब से रखें, आधा माल निकाल दें, उस आधे में भी जो डैमेज हो गया निकाल दो, थोड़ा बहुत अच्छा माल निकाल दो जो अपनी आजीविका चल सके, और माल थोड़ा रोक के चलिए, उठापटक होगी ही होगी जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जितेंद्र जी हमेशा ही मार्गदर्शक बने रहे हैं लहसुन किसानों के, और उन्होंने आज भी लहसुन किसानों के हित में ही बात की है और आगे भी ऐसे ही एडवाइस देते रहेंगे। तो ये था हमारे लहसुन पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और जितेंद्र जी खुराना जी की एडवाइस। फिलहाल मंडियों का हाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।